नई सुबह, नया दिन और नया सवेरा पुष्कर से, और नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है क्योंकि कल थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। रात को भी उतनी अच्छी नींद नहीं आई थी क्योंकि अगले दिन जाना होता है, तो सफ़र करने से पहले प्रॉपर क्या होता है ना कि एक वो जो नींद होती है ना, वो नींद नहीं पूरी हो पाती है किसी कारणवश, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है और दूसरा है कि तुम्हें चीज़ें भी चल रही होती हैं कि यार सुबह ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है। हाँ, 101 में ठीक है, तो सब चीज़ें होती हैं, तो फिर वो नींद पूरी हो चुकी है, थकान पूरी ख़त्म हो चुकी है, और हमें अब नेक्स्ट क्या करना है कि रेडी होना है, और रेडी होकर फिर निकलना है लोकल, थोड़ा सा पुष्कर देखेंगे और जो कुछ खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे। और बहुत अच्छी धूप आई यहाँ पे और ये लाइट अच्छी आ गई और शांति है, रहने के लिए अच्छी जगह है, वेला रिसोर्ट है। ये मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दूँगा लिंक, और आप जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूँगा वो सब आप शेयर कर दूँगा, वो आप कर सकते हो। बट फैमिली के लिए मैं मानता हूँ कि फैमिली और ग्रुप के लिए बहुत अच्छी जगह है, काबिले तारीफ़ है। और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोग बाहर ही करने वाले हैं, यहाँ पे मार्केट में, लोकल मार्केट में। यहाँ का रेस्टोरेंट ठीक है, मेन्यू है इनके पास, थोड़ा सा ओवर चार्ज है, पैसे ज़्यादा लेते हैं थोड़ा सा, और मतलब एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट जो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे कंपैरिजन करके आप किसी से बार्गेन भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट में बार्गेनिंग भी हो जाएगी, तो आप वो बार्गेनिंग करके भी अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो जोधपुर के लिए भी आज ही निकलेंगे, और बाकी यही है फिलहाल, फटाफट होते हैं रेडी। तो जी, हो गए रेडी और अब निकलेंगे यहाँ से, मंदिर जाएंगे, फिर हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे अभी थोड़ा सा, और जो सामान है एक आध दो वो रख लेते हैं। और ओहो, सन्नी भाई भी हमारे रेडी हो गए, भाई सब रेडी हो गए हैं, और दो अपनी बहनें भी रेडी हो रही हैं अभी, फटाफट वो भी हो जाएंगी। अभी चेकआउट नहीं किया हमने, चेकआउट अभी करेंगे। तो फिर से एक बार निकल के पुष्कर की सड़कों पे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और भाई बच्चे साथ में ही अपने जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ खरीदने वरीदने का सीन क्या बनता है। और बाकी अब लग रहा है थोड़ा सा रात वाली जो हैपनिंग थी ना, रात वाली जो स्ट्रीट दिखाई थी वो दिन वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, और अच्छा है, बाकी सीन वही चल रहा है अभी भी। रात को ये कह रहे थे कि खाना खाने के लिए भैया आ जाओ, और अभी ये कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, कुछ खाना है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे चलती रहती है। मज़ा है इसमें भी अपना, बट अब थोड़ा मार्केट समझ आ गई है तो हम अलर्ट हैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए। बाकी गाय बहुत ज़्यादा दिखती है यहाँ पे, कुछ करे तो भाई गौ माता तो दिखेंगी दिखेंगी। नहीं भैया बस खा लिया, अभी तो खा के गए, बस आप यही बोलना कि अभी खा के गए, जहाँ आपका मन हो वहीं खाना। वीडियो हमें यहाँ से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और पूरी तरह से अलाउड नहीं है ना फोटो ना वीडियो ना कुछ, इसलिए लोग बाहर देखे फोटो वोटो ले रहे हैं। मंदिर पीछे ये पूरी मार्केट आपकी, और इधर से हम आए हैं, और क्राउड काफ़ी अच्छा है। रात को जो हैपनिंग लग रहा था अभी डबल, उसके कंपैरिजन में डबल हो गया इस समय, और काफ़ी अच्छी मार्केट है। देखो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बाकी रेट वेट सबके होने पौने हैं, बार्गेनिंग यहाँ फिर सॉलिड होती है बढ़िया तरीके से। तो जी, इधर मंदिर से आए और फिर यहाँ पे हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, और ये सब है देखिए, मालाएं हैं इनके पास, और लाख की चूड़ी भी हमें मिल जाएगी। रेट अच्छा दे दिया भैया ने हमें, क्योंकि हमने बहुत सारी ली थी, तो शॉप तो बहुत सारी है वैसे लाइन से, जहाँ आपको रेट मिले वैसे सब ऑलमोस्ट सबका सेम है जैसा हमें पता लगा, क्योंकि हम दो तीन शॉप पे गए फिर इनके पास आए थे। और ATM इधर था सामने, मैं ATM आपको दिखा दूँ, वहाँ सामने SBI का ATM है, वो रहा सामने देखिए। वापस जाएंगे आप उधर लेक की तरफ, और कचौड़ी वाले फेमस है सुना है, तो वहाँ ट्राई करते हैं। तो जी, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम अपने करने वाले हैं नाश्ता जलपान, और देखो भाई क्या गजब की यहाँ पे मालपुआ, ये आपका गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन भी 40, दो 20 का एक पीस, 40 40 का एक, और ये 40 का 100 ग्राम, सब 40 का ही है, ये भी 40 का 100 ग्राम, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, और ये है दुकान। और अंदर बैठने वाले हैं और अंदर जाके हम सेवन करेंगे आज सुबह। ये आपका कचौड़ी और साथ में कड़ी, और ये समोसे के साथ कड़ी, ये आ गई है, ठीक है भैया डाल दो। और अभी रबड़ी फलूदा मंगाया, और रबड़ी फलूदा करो, रबड़ी मालपुआ और रबड़ी हमने मंगाई और तुरंत आ चुकी है, सर्विस बहुत फास्ट है भाई यहाँ की। तो भाई लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पे हमने पीछे खाया, और ये ओनर है भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमें अच्छा लगा आपके पास आके, और सबसे बढ़िया चीज़ सब चीज़ों में टेस्ट था, जो भी आपने बोला हमने वो ट्राई किया, और जो भी हमने ट्राई किया वो वाजिब था, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? दिनेश। दिनेश काका ही बोलते हैं आप राजस्थान में, क्या बोलते हैं अपने से बड़ा? हाँ, काका बोले हो। काका बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार क्या हुआ, रोड का नाम गौघाट पुष्कर, तो यहाँ पे आप आना, वाजिब है, रेट भी अच्छा था, 4 लोगों ने खाया, 200 रुपए का बिल आया, कोई वैसा खास। तो ये तो भाई, और पीछे रेटिंग कैसा लगा था ना, एक नंबर शानदार भाई, बच्चों कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था टेस्ट। और चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं, फटाफट लेक जाएंगे, फिर हमें निकलना है आज ही। तो जी अब हम आ गए हैं, ये है सामने पुष्कर लेक, वो सामने पुष्कर लेक है, और
यहाँ पे उतारना है हमें शूज। ये सामने आपका मेन घाट जहाँ पे आरती होती है शाम को, सुबह शाम वाली। और ये लोग संकल्प ले रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से बैठे हुए हैं लोग अलग अलग, 1100, 2100, 3100, 5100 रुपये यहाँ होती है आरती इस जगह पे। और ये सामने पुष्कर लेक आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो वहाँ यज्ञ करते हैं ब्रह्मा जी अपनी। कितने 54 या 56 घाट थे, जो 52 घाट थे टोटल। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। तुझे पीछे पुष्कर लेक हम लोग घूम चुके हैं बढ़िया से क्या मतलब, नज़ारे देख लिए हैं। और ये रात को हमने ये काम करवा लिया था, ये संकल्प वाला काम हमने रात को ही करा लिया था, और अब पुष्कर लेक दिन में आए थे तो ये काम हो गया। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3 बज गए हैं, चेकआउट तो हमने कर दिया था और गाड़ी हमारी वहीं पार्क हुई अभी, और अब हम यहाँ से निकलेंगे जोधपुर के लिए। तो जाते हैं फटाफट अपनी गाड़ी उठाएंगे, लगेज हमने डाल दिया था उसके अंदर। अभी गौशाला ढूंढ रहे हैं, गौशाला जा रहे हैं और थोड़ा गाय वाय को चारा खिलाएंगे जितने का भी हमसे बन पाएगा। और फिर गौशाला जाने के बाद फिर आगे निकलेंगे। अभी 3:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। थोड़ा सा शेड्यूल जो है ना हमारे हिसाब से नहीं चला, जो हमने प्लान किया था थोड़ा सा वो लेट हो गया, तो ठीक है। बाकी पुष्कर का ये खूबसूरत सा नज़ारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। भाई पुष्कर आके अगर गाय को चारा नहीं खिलाया और ये चारा यहाँ मिल रहा है, पीछे भी दुकानें सारी और इधर भी हैं, अगर पुष्कर आके गाय को चारा ना खिलाया तो यार फिर अधूरा हो जाता है सफ़र। और अभी हम चारा ले रहे हैं और सामने खिलाते हैं। हाँ जी, तो रिसोर्ट से बाहर आ गए हैं, समय हो चला है अब निकलने का जोधपुर। जी जोधपुर वाले रूट पे निकल गए हैं और हम निकले हैं पुष्कर से जोधपुर वाला। जो दो रूट दिखा रहा था एक्चुअली गूगल मैप पे, एक का किलोमीटर था 185 और एक का था 235 या 240 के आसपास था, और टाइम दोनों का बराबर दिखा रहा था। 235 वाला ऑब्वियसली वो टाइम कम दिखा रहा है और किलोमीटर ज़्यादा है तो रूट अच्छा होगा, ऐसा हमने सोचा, ऐसा हमने माना, और हमने लिया है 180 वाला रूट जो है। तो ये रूट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस पर सबसे पहली बात जो अभी आपको बताने लायक है वो ये है कि इस वाले रूट पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप दिन में इस रूट को कर लेना अंधेरा होने से पहले। अगर आप मतलब जैसे कम लोग हैं या फिर आप अकेले हो तो, या जैसे भी आपको मतलब जैसे अगर नाइट ड्राइविंग में आपको दिक्कत है या सिंगल रूट पे या फिर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि इस वाले रूट पे जो है ना वो लाइटें कहीं भी नहीं है अभी तक जो हमें दिख रहा है। तो आगे बाकी क्या सिनेरियो रहता है वो आपको दिखाएंगे आगे, अभी तक तो ये रूट पे ऐसा है। बट ये कि दिन में करने के लिए बहुत अच्छा रूट है, परफेक्ट रोड है, कंडीशन बहुत अच्छी है रोड की, और एज सच मुझे कुछ लगा नहीं दिक्कत। बाकी ढाबे ढूबे थोड़े से कम है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो वो वैसे भी आप पुष्कर से अगर आप ओवरलोड होकर चलते हो तो यार आराम से जोधपुर तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाय और अगर आपको कुछ लेना है पानी वानी आप पहले ही तो उसका इंतजाम कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जोधपुर में हम कहाँ रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब चीज़ें। और उसके बाद अभी हम कल भी हैं, परसों भी हैं, हमारे पास 2 दिन और हैं। अभी भी लगभग 60 किलोमीटर बचा हुआ है और रास्ते जो थे वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही बढ़िया थे। क्या करें भाई, इस रास्ते को मत लेना, बस इतना कहूँगा मैं। रूट नंबर 2 लेना
और फॉलो करना जो गूगल मैप दिखा रहा है उसके पहला जो रूट दिखाएगा वो मत जाना, सेकंड वाले पे जाना, शॉर्ट में मत जाना भाई। 235 किलोमीटर वाला जो है उस पे जाना, टाइम उतना ही लगेगा 4 घंटे, बट रोड अच्छे हैं वहाँ के, तभी टाइम कम लग रहा है उतने ज़्यादा किलोमीटर का भी। तो यही था बस अवॉइड करना वाला रोड, बाकी अब उस रास्तों से गुजर गए वहाँ पे, यहाँ आ गए। और वहाँ पे ये था कि भाई स्पीड ब्रेकर जो थे कहीं भी आ रहे थे, तो अंधेरा था रोड पे और स्पीड ब्रेकर गड्ढे, मतलब बहुत दिक्कत थी यहाँ, गड्ढों में सड़कें थी, छोटी छोटी दीवारें बनी हुई आज ये वही से लोगों ने अपने हिसाब से बना रखे थे। तो ठीक है भाई, फटाफट पहुँचते अब जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। अभी तो पुष्कर से आ रहे हैं। जाओगे कहाँ पे? कोटा। तो गाड़ी में एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है? नहीं, चेक कर सकते हैं आगे क्या, गाड़ी चेक हो रही है ढंग से? हाँ, कोई कर लीजिए आप भी, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आराम से चलाना थोड़ी गाड़ी। ठीक है सर, कर्फ्यू है ना? कर्फ्यू है क्या 11 से 8? हाँ। अच्छा 11 से 8 नहीं तो 8 से सुबह 8। अच्छा तभी वो मतलब मेडिकल की दुकान एक देखी हमने सिर्फ। ठीक है थैंक यू। चौराहे आएगा ना? हाँ चौराहे से इस तरफ चले जाना, किसी की छोड़ देना शक्ति नगर फर्स्ट नंबर। ठीक है थैंक यू सो मच। और इसमें आपका वो एक नहीं है ऑप्शन, बाकी सब सेम है। अच्छा ये रूम का साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। ओके सो फाइनली 5 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे का सफर हमने कम्प्लीट कर लिया है अपना पुष्कर से, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ गए। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि यार जोधपुर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा ये दिमाग में चल रहा था, क्योंकि यार ड्राइविंग भी कर रहे थे लगातार और कल से लगातार हम सफर ही कर रहे हैं, तो दिमाग पूरा यार इस समय ना मतलब ऐसा हो गया था, वॉश आउट हो गया था। बस ये था कि हमें पहुँचना है, और पहुँचने के बाद हमें कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा हमें कुछ नहीं पता था, और हम ऐसी जगह आए हैं कि हम घर ही आ गए एक तरह से। राइट मैम, हम एक तरह से घर ही आ गए हैं। और मैम से मिलवाता हूँ, मैम आपका शुभ नाम? रुचि। मैम से मिलवाता हूँ, होम स्टे एक्चुअली एप्पल होम स्टे है, तो बाकी मैम से जानते हैं, बाकी मैम बताएंगी। मैम थोड़ा सा आप बता दीजिए कि हम किस जगह पे हैं, क्या है? जोधपुर का फर्स्ट होम स्टे है। ओके। और आप जोधपुर के मेट सिटी में चल रहे हैं, इट इज कॉल्ड पाउटा सीरो शक्ति नगर फर्स्ट गली, और बिल्कुल आपको जो जैसा आपको घर का माहौल चाहिए वही मिलेगा आपको। एग्जैक्टली। और बाकी जब आप रहेंगे तो बाकी रिव्यू आपके सामने आएंगे। और भैया को स्पेशल थैंक यू, राजेश भैया, राकेश भैया, इन्होंने बहुत किया। और बाकी अभी सर नहीं है, वो शायद आएंगे अभी? नहीं सर, अभी नहीं आएंगे सर, मुलाकात होगी एक वीक के बाद आएंगे। तो अभी सर से मुलाकात हुई थी फोन पे मुलाकात हुई थी, एक्चुअली मेरे शब्द यही रहते हैं, फोन पे मुलाकात हुई थी, तो उनकी वजह से हम यहाँ हैं। और बस ठीक है, बाकी अभी ऊपर चल रहे, रूम में चेक इन कर लिया हमने, जो फॉर्मेलिटीज थी हमारी पूरी हो गई है, ऊपर चलते हैं आपसे मिलते हैं अभी रूम में चलने के बाद। ओके, रूम चेक इन कर लिया हमने, और ये खूबसूरत सा रूम हमारा सुनना चाहिए, क्या बना हुआ भाई? हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है ओके। तो ये एक है, और ये सोफा कम बेड है, और ये एक्चुअली एक होम स्टे है जैसे मैंने आपको बताया। और अभी सामान हमने एक्चुअली यही रख दिया, एक रूम हमारा सामने भी है, उधर भी है, उधर सामने वाला रूम है, और ये वॉशरूम है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है यार देखो, मतलब और 7-8 साल हो गए इस प्रॉपर्टी को मैं मानता हूँ कि, और हिसाब से हमने बहुत मेंटेन किया हुआ है, और खूबसूरत सा रूम है, 4 लोग अभी भी इस पे आराम से आ सकते हैं, बट हमने कंफर्ट लेवल देखते हुए सामने वाला रूम ले लिया, 109 और हमारा है 108। अभी हम खाना खाने जाएंगे ना, तब आपको रूफ टॉप दिखाते हैं, वो भी अच्छा है। और बाकी हम फ्रेश होते हैं जल्दी से और इनको ऑर्डर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम 10 बजे अभी पहुँचे हैं और थोड़ा सा लेट हो गया, और फटाफट खाना खाते हैं। हाँ इस समय में ये जो नज़ारा आप देख रहे हो टॉप से है, रूफ टॉप पे है इस समय, और ये हमारा इंतज़ाम है भाई डिनर का, और ये रूफ टॉप पूरा सुकून है हर तरफ। और फिर हमारा डिनर अभी का टाइम हो रहा है इस समय, ये अभी 11:15 हो रहे हैं भाई, 11:15 बजे रेडी हो गया, आधे घंटे में हमने फ़ोन किया था यहाँ पे, और हमने बोला था मिक्स वेज दाल तड़का और वेज बिरयानी और चपाती। फिर खाते हैं फटाफट, और मेरे ख्याल से वीडियो यहीं वाइंड अप करना चाहिए हमें, हमारा यही है स्टे आज का, और कल सुबह मिलेंगे जोधपुर की, तो कल सुबह जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में जो सुबह होगी वो जोधपुर से होगी, तो मिलते हैं कल के वीडियो में।
उम्मीद है ये भी वीडियो पसंद आया होगा आपको, डेफिनेटली पसंद आया होगा। ये ट्रैवल था हमारा एक्चुअली पुष्कर से जोधपुर तक का। तो यार ये वीडियो यहीं एंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में सिर्फ सावर उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।